हेलो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ द करण और मेरी यूट्यूब चैनल द करण ब्लॉग पे आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो कैसे है सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही हो गए। तो आज देख पा रहे हो लकड़ी बकड़ी हाथ में है और जो हमारी बफेलो से भैंसे है उसको चारा चरने के लिए छोड़ने आए थे तो अभी छोड़ दिया है, वहाँ जा रहे हैं सब लोग। सो अभी 5 बजे आएंगे। फाइनली अभी खेत में आ गए और हमारी जो भैंसे थे उसको छोड़ के आए, वो चारा चरने गई है अभी। और अभी आके ही जस्ट चाय पी रहे हैं। जो खेत में चाय बनती है ना वो सबसे अलग ही चाय होती है कि उस इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा ही होता है। सो अभी जस्ट पहुंचा हूँ और पहले चाय पी। और खेत में हमारे बूल है वो चल रहे हैं, जो कपास है उसके बीच में जो फोकट का घास निकला हुआ है उसको निकाल रहे हैं। गुजराती में उसको साथी बोलते हैं, साथी चल रहा है। तो व्लॉग में बने रहना, मैं आपको वहाँ भी लेके जाता हूँ और देखते हैं कैसा चल रहा है सब कुछ। ओके, तो चाय पी ली है अभी। तो फाइनली अभी हमारा कपास वाला खेत है उधर आ गए हैं और आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो बीच बीच में जो फोकट का घास होता है वो अभी निकाल रहे हैं। आपको बुल भी दिखाता हूँ, वहाँ चल रहे हैं हमारे। चलो वो भी दिखाता हूँ। तो अब देख पा रहे हैं तो इसके बीच जो धारदार राप बोलते हैं उसको, वो ज़मीन से नीचे होके चलती है। सो जो क्या बोलते हैं बीच का घास होता है वो निकल जाता है, जो फोकट का घास होता है। इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, जो वो राप है धारदार वो यहाँ पौधे पे लग जाती है तो वो भी टूट जाता है तो हमारा वो नुकसान हो जाता है। सो ध्यान रख के चलाना पड़ता है इसको। नहीं, इसमें हमें कोई ऐसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बुल है सांड वही ऐसे ही समझदार होते हैं, उसको पता ही होता है कि यहीं चलना होता है। सो उसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, बट कभी कभी ध्यान रखना होता है। तरह से चलता है। सो अभी थोड़ी देर मैं चलाने वाला हूँ और जो प्रताप है वो आज फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग करेगा, वीडियो शूट करेगा। ओके, सो स्टार्ट हो गया। ये करण भाई चला रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत चलाता है ये, थोड़ा दूर दूर। आज फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग क्रिएट कर रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना और शेयर कर देना। एमपी में रहता है, एमपी में रहता है। और बताता हूँ, जिला लियातपुर तहसील जोबट गांव घोंगसिया, वहाँ से इधर क्या बोलते हैं, वहाँ इतनी अच्छी जमीन नहीं होती ना इसलिए वो यहाँ आ जाती है। हाँ ऐसे थोड़ा ढाल वाले रहते ना उधर। तो ये सब यहाँ आते हैं। हाँ, अभी 2 साल हो जाएगा ना आगे वाले तुम यहाँ उसके। हाँ, जो पिछले वाले थे ना वो 12 साल रहे थे, मतलब
बाकी जमीन है ना वो कम पड़ रही थी इसलिए वो यहाँ से चले गए। देखना देखना देख तो फाइनली प्रताप वहाँ चला रहा है हमारा बैल और मैं अभी आया हूँ हमारी जो मूँगफली है उसमें चक्कर लगाने। तो देखा बहुत अच्छी है मूँगफली और पापा का भी कॉल आ गया है कि घर पे जाना है तो अंदर तो नहीं जाएंगे तो बाद में व्लॉग क्रिएट करेंगे उसमें अच्छे से दिखाएंगे और अभी घर पे जा रहे हैं। सो इस व्लॉग को हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन। आपके भाई को सपोर्ट करना, आपके भाई की चैनल अभी बहुत छोटी है बट आप सबका सपोर्ट रहा तो आपकी भाई की चैनल को बड़ी होने में देर नहीं लगेगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।